उदयपुर में कुछ जनक गोदे हैं जिनको मैं उदयपुर डिवीजन राजस्थान के भी हैं उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उदयपुर डिवीजन आज की तारीख में सबसे पिछड़ा हुआ है, चाहे वो यातायात के दृष्टि से हो, चाहे पीने के पानी के हिसाब, चाहे रोड के हिसाब से हो, या बड़ी लाइनें आई मीन रोड लाइन से भी जो जुड़ा हुआ अच्छी तरह से नहीं। मेरा केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार से ये आग्रह है कि रोड के उदयपुर से चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से रतलाम मिला एक, उदयपुर से जो रोड गेज जाती है वो मावली होकर देवगढ़ यानी मीन आमेट देवगढ़ भीम डावर मिला, जिससे हमारे जो लोग बाहर हैं मेरा मतलब दक्षिण भारत में बेंगलोर में कम से कम राजस्थान के 14 लाख लोग जिनसे जिसमें से 25-40 हजार को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत, हैदराबाद में है, मद्रास में है, उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, उनको सबको वहां से फालना से बैठना पड़ता है। उसके लिए आवश्यक है कि ये बने। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि आपके पहली बार ये हमारे आए हैं यहाँ के रेल मंत्री, वरना हमेशा बंगाल के पश्चिम बंगाल के बिहार के ही आए, नीतीश जी भी थे उस समय मैं सांसद था, रोड गेज उन्होंने पहले बार 20 करोड़ 50 लाख दिए, दूसरे बजट में 99 में 25 लाख 25 करोड़ रुपए दिया, उसका काम प्रारंभ किया। तो मेरा ये अर्थ है कि उस समय और एक सरकार 11-13 महीने में सरकार भंग हो गई और कंपनी नीचे आ गए, इससे ज्यादा काम नहीं कर पाए एक। दूसरा ये सिरोही का हिस्सा है, यहां से आप सिरोही भी जोड़ो ना भाई, आपको जोड़ना पड़ेगा। कब तक हम अच्छे काम का इंतजार करते रहेंगे, ये एक एक इश्यू है मेरा, जिसमें केंद्र सरकार से भी निवेदन है और राजस्थान सरकार क्योंकि बजट नहीं देती एक्विजिशन के लिए, आधा पैसा सरकार को देना पड़ता है, राजस्थान सरकार को देना पड़ता है, वो राजस्थान सरकार उसके लिए तैयार नहीं होती। ये जो अभी लाइन चल रही है अहमदाबाद वाली, उसमें पहले इसलिए देर हुआ कि उन्होंने केंद्र सरकार ने कहा कि भाई आप 50% दो आप एक्विजिशन का, तो उन्होंने हाथ ऊंचे कर दिए। आपको आपके पास पैसा है कहाँ है, राजस्थान सरकार कोई भी कहे कि मेरे पास पैसा है और फिर आप दिवाली करने की बात करोगे, तो ये तो चलने वाली बात नहीं है। विकास करना है तो केवल जोधपुर डिवीजन के या जोधपुर शहर के चीफ मिनिस्टर नहीं, वहां आप सारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हो, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सोचो, और उदयपुर भी राजस्थान का भाग है आज की तारीख में। दूसरा इश्यू जो मेरा ये है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रांत हमारा है 342,327 या 329 किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है, पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, वहां पर 4-4 हाईकोर्ट हो गई। आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है और इंदौर में है, जबलपुर में और छत्तीसगढ़ में और लगभग एक प्रांत में 4 हो गई, और उदयपुर में पहले महिंद्रा सभा थी, बाकायदा गठित थी, महाराणा सज्जन सिंह जी ने बहुत अच्छी तरीके से कीर्ति सुधाकर निकाला, सज्जन कीर्ति सुधाकर गजट निकलते थे और उन्होंने सारा काम किया है। 1880 में यहाँ महिंद्रा सभा थी जो बार न्याय करती थी, बड़ा भारी सब बैठ करके सारे उमड़ा बैठ करके उसको न्याय में बैठते थे एक। दूसरा उसके बाद 1938 में यहाँ पर बड़े बड़े वांछू साहब से जैसे
व्यक्ति जजेज रहे हैं। राजस्थान में जब मर्ज हुए, मैं बहुत शोर्ट में इसलिए कर रहा हूं कि आपको देर नहीं हो जाए, जब राजस्थान में मर्जर हुआ, सारे देश में देसी गैस नहीं थी, 500 भी है वो सब, जब राजस्थान हिंदुस्तान में मर्जर हुआ तो सबसे पहले मर्ज राजस्थान में भी और हिंदुस्तान में भी मेवाड़ हुआ कि हम आपके साथ रहेंगे। कई लोग जो आज दावेदारी कर रहे हैं, जूनागढ़ वाले भी थे, हैदराबाद वाले भी थे, और भी कई थे, राजस्थान में कुछ ऐसे और थे स्टेट जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। माणा साहब को दबाया कि नहीं अपन भी पाकिस्तान के साथ रहेंगे, माणा साहब ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। और माणा साहब इसमें आपको कहोगे तो मैं सब बता दूंगा इसमें, और महाराज प्रमुख नाम उन्हीं का है और विधानसभा में फोटो भी उन्हीं का लग रहा है, महाराज प्रमुख, वो राज प्रमुख बने, जयपुर वाले कोटा वाले भी राज प्रमुख बने। इस तरीके से फिर यहाँ हाईकोर्ट चलती रही, यहां के बाद सब देशी रियासतों का विलीनीकरण के बाद हाईकोर्ट यहां से वहां शिफ्ट हो गई जोधपुर 50 में। उसके बाद निरंतर आवाज उठती रही जो जयपुर की तरफ से, जयपुर में हाईकोर्ट वापस इमरजेंसी के दौरान जब हम जेल में थे 75-76 में, तब जनवरी मास में वहां पर हाईकोर्ट हो गई। आज एरिया के दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया ये है और सबसे ज्यादा ट्राइबल हमारे यहाँ निवास करते हैं, इसलिए भी आज हाईकोर्ट की यहाँ आवश्यकता है। एक दूसरा है ट्राइबल जो 5th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले आप कहो तो मैं आके पढ़कर सुना दूंगा आपको। जो 5th शेड्यूल है उसमें भी पावर है सरकार को कि वो सर्किट बेंच बना सकती है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में 4 जगह हैं, पहले गोवा की अलग नहीं थी तो गोवा में अलग, एक नागपुर में, 2 बॉम्बे में, 3 इस तरीके से सभी जगह वहां हाईकोर्ट हो गई। मैसूर में 3-3-4-4 जगह हो गई, हुबली और ये धारवाड़ बैंगलोर सब जगह हो गया। मैं कर्नाटक में गया, उसमें गया त्रिवेंद्रम जेल में किसी जमाने में, तो महाभर भी कर दिया आपने, मद्रास में भी चल रहा है, बिहार में भी रांची में, जब बिहार के उसमें रांची के पार्ट में 1976 में ट्राइबल पंजी होने की वजह से आपने हाईकोर्ट कर दी। तो फिर उदयपुर का ट्राइबल और उदयपुर का जो जनजाति का जन अनुसूचित जाति का है व्यक्ति, ये भी बहुत बड़ी संख्या में आज की तारीख में आप जेल में पधारे, मैं आपको इनविटेशन देता हूँ कि आप जाकर के पता लगाएंगे, मैं कह रहा हूँ जो कितना सत्य है, वहां सब लोग ट्राइबल ही हैं अधिकांश, उनकी अप्रोच हो नहीं सकती, हमारी फीस वो दे नहीं सकते, जोधपुर वो जा नहीं सकते, जोधपुर जाए तो जाएंगे जगह कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, इसका कुछ पता नहीं, तो ये वैसा नहीं उनका एक बात, इसलिए हाईकोर्ट बेंच यहाँ आवश्यक है। इसके लिए मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री जी राजीव जी से भी मिला, मैं था, जसवंतलाल जी मेहता थे, कई लोग, उसके बाद राहुल गांधी जी को भी हमने ये दिया, ये ज्ञापन दिया राहुल गांधी, ये राहुल गांधी जी के नाम पे दिया, उनको भी निवेदन किया भाई आप सरकार पर दबाव डालो, तो ये हुआ नहीं। माननीय अशोक जी गहलोत से हम मिले, हम केंद्र सरकार में मोइली जी जो कांग्रेस के ही थे 2009 में उनसे मिले, उन्होंने अनुशंसा की कि यह होनी चाहिए, वो कागज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, इसमें भी पड़े हैं, तो उन्होंने अनुशंसा की पर उन्होंने कहा कि भाई गहलोत साहब से लिखाओ, चीफ मिनिस्टर साहब लिखाओ, चीफ मिनिस्टर साहब से हम मिले गए वहां,
उन्होंने कहा देखो भाई शांतिलाल जी, मैं जोधपुर का हूँ, मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वसुंधरा जी आए, वापस वसुंधरा जी ने आश्वस्त भी किया, यहाँ आए हाई कोर्ट अपने सेशंस कोर्ट में बिल्डिंग में, उन्होंने आश्वस्त भी किया, एक कमेटी भी फॉर्म की, मैंने आमंत्रण भी किया उसका, उन्होंने कमेटी फॉर्म की, वो कुछ रिपोर्ट करती उसके पहले ही नए चुनाव हो गए और आचार संहिता होगी, कुछ नहीं हुआ। एक ये मुद्दा भी है। दूसरा यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की सख्त आवश्यकता है। IIT यहाँ तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ के बच्चे सब बाहर जा रहे हैं और क्योंकि धंधा नहीं मिलता है, तो IIT यहाँ आनी चाहिए थी और IIT के लिए हमने मूवमेंट किया और उसमें सिंगल साहब, अर्जुन जी सिंगल आगे थे, अग्रणी थे, आप और हम सभी थे। 1,00,000 लोगों ने कम से कम भाई साहब यहाँ प्रदर्शन किया। ये IIT का है, ये उसकी मेरे पास रन फॉर IIT की वो CD भी है, आप चाहें तो इसको आराम से देखना। और ये हमारी चिट्ठियां हैं, ये IIT रन फॉर IIT का वो फोल्डर है, ये सब ये है, ये सब बच्चों को सबको लेकर के 1,00,000 लोग कभी भी किसी काम के लिए नहीं, कम से कम भी आए रन फॉर IIT के लिए, सारे स्कूलों के बच्चे वगैरह सब आए, ये सब उससे भरे हुए हैं। और उसके लिए ये शेखर साहब थे, शिखर अग्रवाल वो, और ये सिंगल साहब का फोटो है, हमारे भी दब रहा है कहीं कहीं है ये तो वो खैर होगा, उसमें कोई वो नहीं है। हमने वहां मीटिंग भी बुलाई कई बार, डाक बंगले में बुलाई, इधर बुलाई, सर्किट हाउस बुलाई, उसमें मैंने कहा कि हमारे पास जमीन है और मावली में 60 रोजा के उल्ली तरफ वहां पर 1,200 बीघे का बीड था नाथद द्वारा मंत्रिमंडल का, उनको कोई ऐतराज नहीं है और राखड़ जगह बिल्कुल, जिसको बाद में 1,200 बीघे से ज्यादा चाहिए भी नहीं। आज वहां पर 20,000 बच्चे होते तो वहां के हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता, उदयपुर में भी वहां पर, तो वो नहीं हो पाया। वो IIT कुछ जोधपुर कोटा में जाने का था, कोटा में नहीं जा पकड़ करके गहलो साहब आए, तो गहलो साहब वहां लेके चले गए। अब केवल जोधपुर ही जाएगी सब चीजें, एम्स जाएगा तो वहां जाएगा, IIT जाएगी तो वहां जाएगी, फलन जाएगी तो वहां जाएगी, लॉ यूनिवर्सिटी जाएगी तो वहां जाएगी, ब्रॉड गेज जाएगी तो वहां जाएगी, हाईकोर्ट का सब चीफ जस्टिस बैठेगा तो वहीं बैठेगा, लाइनें जुड़ जाएगी, तो फिर हमारे यहाँ क्या करेंगे लोग, आखिर क्या हमारे मेवाड़ी क्या तंदूर बजाएंगे, भज गोविंद बाल मुकंदम परमानंद हरे हरे, ये तो नहीं होगा ना सर। वो इसकी लाठी उसकी पेस गायब वो तो अभी ऐसे ही रहा, यही चल रहा है। इसलिए भी हम चाहते हैं कि IIT का। दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो यह है कि यहाँ खनन है, हमारे पास खनन क्षमता है, रॉक फॉस्फेट है, हाई ग्रेड का रॉक फॉस्फेट है, दुनिया में अच्छे ग्रेड का हमारे पास रॉक फॉस्फेट है, जिसकी मैंने नेतागिरी की भी हुई है मजदूर, वो हाई ग्रेड का वो रॉक फॉस्फेट है, अच्छे कारखाने लग सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, उसमें कई चीजें मिल रही है। हमारे यहाँ अभी डूंगरपुर मांसवाड़े के पहाड़ों में और हमारे इधर के पहाड़ों में, इधर ताना मतलब अकोला ताना के पास, वहां पर सोना मिले, अब उसका यूरेनियम भी मिल रहा है वहां, अब हमको ये सारी संपदा यहाँ मिल रही है, आप हमारा विकास ही नहीं करना चाहते। आपने यहाँ जो माइनिंग का डिपार्टमेंट था, मुख्य डिपार्टमेंट यही था, मतलब अपने सारी आमद आपके यहाँ से जा रही है, जितनी भी टैक्सेशन जा रहा है वो यहाँ से इकट्ठा हो रहा है, उसके मुकाबले में आप क्या खर्च कर रही सरकार, राजस्थान सरकार उसके मुकाबले में क्या खर्च करती, हमारे ऊपर क्या खर्च करती, बहुत कम करती है। यहाँ का सारा माल ले जाओ आप और दो भी कुछ नहीं, इसलिए भी हमारा कंसर्न है।
ये नहीं होना चाहिए। एक इश्यू और है कि हमारे यहाँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश की थी कि सभी नदियों को जोड़ा जाए, बहुत अच्छा, पर उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की और वो पूरा नहीं हो पाया। अब भी इसका प्लान किया जाना चाहिए। आज भी पटना में बाढ़ आ रही है, लोग ट्राई ट्राई कर रहे हैं, उत्तराखंड में बाढ़ बाढ़ आई, ट्राई ट्राई कर रहे हैं, दूसरी जगह बाढ़ आ रही, बेंगलोर में बाढ़ आ रही थी, ट्राई ट्राई कर रहे, मैसूर में बाढ़ आ रही, मद्रास में बाढ़ आई, सब जगह ट्राई ट्राई हो रही थी। और राजस्थान को कि डार्क जोन में है, डेजर्ट है, इसलिए भी पूरा रेगिस्तान है, जोधपुर से लगाकर के जैसलमेर से लगाकर कुछ पानी को डाइवर्ट करवा। अब भाई कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अभी फिलहाल में माइक का पानी, जिसकी मेरे पास ये सारी रिपोर्ट है, ये सारे हिंदुस्तान में कितना क्यूसे पानी किसको मिलेगा, रावी व्यास का पानी किसको मिलेगा, रवि व्यास का पानी अपने को नहीं मिल रहा पूरा, उसकी भी है मेरे पास सारी रिपोर्टिंग, मैं चीफ इंजीनियर से किस जमाने में बनवाई। अब उस पानी को डाइवर्ट करो आप, उस पानी को माई के पानी को जो नदियों में जा रहा है या साबरमती में जा रहा है, तो उस पानी को मध्य प्रदेश में जा रहा है तो उसको डाइवर्ट करो ना, इधर जो एक्सेस पानी है वो इधर डाइवर्ट करें, जाखम में डाले जाखम का पानी, जयसमुद्र में डाले जयसमुद्र का पानी, यहाँ डाले पिछोला में डाले, यहाँ से सारी नदियों को तर करें। और ग्रेविटेशन आ रहा है, आपको ये भी नहीं है कि आपको चढ़ाना पड़ेगा पानी, उससे क्या करो। अब हमारे यहाँ जैसे मामली है, उसमें बागोले के मार चल रही रोज, बागोले है 680 MCFT, उससे बड़ा है बड़गांव का मान 780 का, और ये जो है अपने उदय सागर ये 1150-1200 समझ लो आप, पर इसमें 1400 तक 1350 तक भर देते हैं। ये जय समुद्र है 14,000 का MCFT का, और जाखम का है 5,000 का, राजसमंद का जो तालाब है जो किसी जमाने में ये हिले नहीं अभी तक, 5,000 MCFT का। तो इन तालाब को भरो, मातृ कुंडिया इसमें मैंने प्रतिनिधित्व किया उधर, उसका पानी सब मातृ कुंडिया, इन सब पायों का पानी मातृ कुंडिया, मातृ कुंडिया से मेजर फीडर जाता है जो भीलवाड़ा को जाता था मिलों की वजह से। तो ये सब जाने इधर यदि पानी आ जाए तो हमारा डार्क जोन हो गया, मावली भी हो गया, वल्लभ नगर भी हो गया, प्लेन जमीन तो इधर ही है। अभी गहलोत साहब ने कहा कि नहीं भाई, तो बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, बांध बनाना चाहता हूँ, बांध बनाना चाहता हूँ, ढीला मत पीटा, कहाँ बनाना चाहते हो साई, साई बांध बनाया पहले, साई का पानी जवई में, जवई का पानी जोधपुर में, आप यहाँ का पानी सब जोधपुर ले जाना चाहते हो, उधर अभी जो मना कोटला के बांध की बात कर रहे हो तो कोटला में बांध बनेगा, उसका पानी आप साई में डालोगे, साई के पानी को आप उसमें डालोगे जवई में, जवई से जोधपुर ले जाओगे, अरे जोधपुर में तो ऑलरेडी वाटर लॉगिंग की बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, नीचे सीपेज आ जाता है, घरों में पानी घुस जाता है अंडरग्राउंड में। अब आप वहां पर क्यों कर रहे भाई, इस पानी को इधर डाइवर्ट करो ना आप जनरल। मैं तो दो ही जनों को मानता हूँ राजस्थान में, नेताओं में मोहनलाल जी सुखड़िया, भैरव सिंह जी शेखवत, जिनको कभी भी मेरे इस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के करना है, इसलिए इस पानी को डाइवर्ट करें। बागवेलिया है, मेन मांग है, बहुत छोटा तालाब में कोई बड़ा भी नहीं है, और मांग वर्षों से चली आ रही है, एक दो बार भरा वो, अभी भी झगड़े हो गए कि ये पानी पिए वो पिए वो पिए वो पिए। अभी उदय सागर में बहुत सारा पानी गया, आपने हिंदुस्तान जिंक को दिया और किसको दिया, ठीक है इंडस्ट्री के हिसाब से आपने समझा दे दिया, तो इतना पानी और भी तो गया बाहर, सब नदियों में गया ना, उसको डाइवर्ट कर दिया। अब कब तक ये करते रहोगे, और किसी भी हालत में आदिवासी सहन नहीं करेगा कि उनका पानी डाइवर्ट करके जोधपुर चला जाए, ये मेरी बात हुई है एक बात। दूसरा, यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, मात्र हिंदुस्तान जिंक से बदलो,
और छोटे मोटे इंडस्ट्री गुड़ी में है या सनवार में छोटे मोटा है इंडस्ट्री एरिया या उमडा में छोटी मोटी हो गई है, यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज की जरूरत है। जो साधारण महिला है, घर बैठी महिला है, जिसको काम नहीं मिल रहा है, विधवा है, परित्यक्ता है, लाचार है, चल फिर नहीं सकती है, वो क्या करेगी? हाथ पैर देकर बैठी रहेगी और वो खाएगी भी नहीं, पिएगी भी नहीं। क्या आफ्टर ऑल मैं शांतिलाल चपलो विधानसभा का अध्यक्ष बन गया, मैं शांतिलाल चपलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, मैं मिनिस्टर बन गया, उससे क्या हो जाता है? क्या फर्क पड़ता है मेरे को? आम जनता का जीवन स्तर जब तक गई शुरू हो जाता, हमारा सब जीना बेकार, सब बेकार की बात है। जो आदमी नीचे का स्तर का आदमी है वो भी मेरे बराबर आएगा उस दिन हमको प्रसन्नता हो। मैं बढ़ जाऊंगा, मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे, मेरे बच्चे हिंदोले में हिलने लग जाएंगे, उससे नहीं होगा। नीचे से नीचे का बच्चा, गरीब का बच्चा, जिसको रोटी मोहताज नहीं हो रही है, वो बच्चा बढ़ करके जिस दिन आगे आएगा उस दिन हम समझेंगे कुछ हुआ। इसलिए हमारा ये कंसर्न है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉटेज इंडस्ट्री गांव में बैठी रहे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक माता जी जिनमें मेरे पिताजी का लेन देन था, उस गांव में ओगड़ा खेड़ा नाम बदल गांव, राजपुर महिला बड़ी बुजुर्ग कोई होगी 85 साल की। मैं गया, बापू मर है, पेंशन दे, ये पुरानी बात हो गई, 10-12 साल हो गए। आपको मैंने कहा पेंशन नहीं आती? हाँ नहीं, हम मैंने क्यों नहीं आती है? और आज भी यही है, सैनिकों के जिनके 12-14 बीघा जमीन है, राखड़ है, तो आपको नहीं मिलेगी पेंशन, आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। वीरांगनाओं का झगड़ा क्या, किस बात का? ये भी जो चल रहा है तो वहां पर भी ऐसे हुआ। उन्होंने कहा बापू मेरे को पेंशन दिलाओ, मेरे को आपको क्यों नहीं मिल रही है? तो कई बताओ, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, राजपूत महिला। फिर खाता वाता देखा, मैंने पटवारी कौन सबको बुलाया, मैंने कहा इनको कौन देते हो? तो कहा साहब इनके खाते में जमीन है। अरे मैंने कहा जमीन है, इनके लड़का नहीं, पति नहीं, बच्ची नहीं, अब ये क्या खुद करेगी? ऐसे लाचार लोगों के लिए क्या है आपके पास? क्या वो भूखा मरेगा, मर जाएगा वो? हमारा कंसर्न होना चाहिए कि नहीं उसमें? ऐसे लोगों के लिए भी आवश्यकता है। छोटा मोटा काम अभी भाई है तो घर पर बैठी बैठी और तो नहीं तो खाते का काम करे तो कम से कम 5 रुपये तो मिले, वो उसको किसी के सामने हाथ नहीं बसाना पड़े। इसलिए भी हम चाहते हैं, मेरा पर्टिकुलर मानना है कि लघु उद्योग बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम। यहाँ उदयपुर में हैंडीक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्री जाए, जाते हैं हमारे यहाँ के जाते ही लोग, हमारे यहाँ का माल जा रहा है हैंडीक्राफ्ट का, बहुत और उसको आगे बढ़ाओ आप। बहुत ज्यादा खेरादीवाड़ा पहले चलता ही था, नहीं चलता था? खेरादीवाड़े में जगह जगह खिलौने बनते ही थे, नहीं बनते? और आज क्या हुआ? क्यों नहीं होना चाहिए? जो करना चाहे उनको दोनों काम। इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री की भी जरूरत है। और चिकित्सा सुविधा गांव गांव में मुहैया, किसी भी हालत में आदमी चिकित्सा के अभाव में मरे नहीं। मैंने अपने प्रयत्न से कर रखे हैं अपने उधर, तो पर सभी जगह नहीं है हालत। आदिवासी इलाका तो विषय वैसे अभी भी आज भी कोई अंत नहीं आया, थोड़ा बहुत मांसवाड़ा में थोड़ी बहुत ठीक ठाक हुई है, पर आप इधर चले जाओ पाई मुंद्री इधर जाड़ो वाड़ो सब पैसे कैसे है। इनको सुख सुविधाओं से हम वंचित रखेंगे, ये मेरा कंसर्न। इसलिए भी मैं आपको तकलीफ देना चाहता हूं कि आप इस बात को उजागर तो करें कम से कम। आज हम लोग स्ट्राइक पे हैं, एडवोकेट को मार डाला, मैं आपका केस लड़ूंगा कि नहीं? किसी इंदिरा गांधी का मर्डर करने वाला केहर सिंह को बाकायदा ट्रायल चलेगी, चली बाकायदा 2 साल पूरी चली, उसके बाद जो भी हुआ फांसी हुई जो भी हुआ, अरे आप ट्रायल तो करोगे कि नहीं करोगे? मैं ट्रायल करूंगा, अब मेरे पास बदमाश भी आ सकता है, अशरीफ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, अब आप मेरे को गोली मार दोगे, मेरा क्या प्रोटेक्शन? आज 1 लाख एडवोकेट सारे राजस्थान के स्ट्राइक पर है,
क्या आपको दिख नहीं रहा है आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हो? क्या वकीलों की कोई वजूद नहीं है? पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसी बात को उठा रहे हैं। अब कह रहे हो मैं 21 तारीख को लाऊंगा। भाई यह बात पहले भी कर सकते थे आप, कितना समय वेस्ट कर रहे हो आप। मैं आज अदालत में पेशे थी लोगों की, कल थी, जुम्मे भी थी, 2-3 हजार लोग पर डे आ गए। उनका 3 हजार लोग यदि आए और 1000-2000 वकील आए, 5 हजार डे पर डे खराब हो रहे। 5 हजार डे का क्या मतलब होता है? कितने साल होते हैं? 12 साल पर डे खराब हो रहे हैं एक व्यक्ति के, 12-13 साल और महीना भर हो गया। और कितने कितने लोग असाइन राजस्थान में कितना हिसाब लगवा, क्या उस समय की कोई कीमत है कि नहीं? इसलिए आग्रह हमारा सरकार का, चेतावनी भी है कि अब वो समझे और इस एडवोकेट से को भी पास करे प्रोटेक्शन एक्ट, और केंद्र सरकार से भी अनुरोध है कि ये जो जितनी बातें हैं पीने के पानी से लगाकर, आज सीवरेज का पानी कई बार मैंने उठाई हुई है, सीवरेज का पानी 1974 बिजोतन में मैंने खुद ने लेक पैलेस के खिलाफ एक दावा किया था एज एडवोकेट, सीवरेज का पानी पिछोरगंज में गिरता था, वही मूत वही मल और वही हम पीते थे। ये क्योंकि आप लोग उस समय थे नहीं, कुछ बाद में जन्म में, इसलिए वो देखना नहीं पड़ा कष्ट, वरना इतना भारी काम था और पेट की बीमारी आम आदमी को उस समय थी, उसके ऊपर मरना। ये मैं ना कहना चाहता हूँ, पानी पिलाओ शुद्ध पानी पिलाओ जिससे किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं, ये भी मेरा एक कंसर्न है। इसीलिए और आपको मैं आज तकलीफ दे रहा था। दूसरा, सड़कें अच्छी बना, सारी जगह सड़कें टूटी हुई है, शहर में भी इधर उधर जहां जाओ वहां खाडे खोद रखे हैं। ओवरब्रिज बनाओ, बॉम्बे में जाओ नक्शे बदल गया। भाई बॉम्बे वाले तो बॉम्बे वाले क्या आपके बहुत नजदीक के हैं और हम क्या सबके दुश्मन थोड़ी है? कोटा जाओ फर्स्ट क्लास हो गया, जोधपुर जाओ फर्स्ट क्लास हो गया, उदयपुर में एक आग ओवर ब्रिज बना, एक तो वो भी रच्चू रच्चू करके 10 साल में बना आप और हम सब जानते हैं, एक आज ये बना है, ये अभी प्रताप नगर का वो छोटा मोटा जो भी है एक ये बन रहा है अभी, तो कब तक ये बनते रहेंगे? रोडे अच्छी बने, सुख सुविधा बढ़े लोगों की, आवागमन का साधन सुलभ, ये भी एक हमारा है, क्योंकि आदिवासी इलाका है उसमें काफी प्रतिभाएं हैं। तो यहाँ तीरंदाजी में मैं लिम्बाराम को एक बात कह रहा हूँ, लिम्बाराम मेरे पास आते थे, मैं वहां जब जाया था तब उसको कुछ सुनने को तैयार नहीं था तीरंदाजी में, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से 2.5 लाख का उसको वो धनुष दिलवाया सरकार से, वो ऊपर वो लेता था हमारे यहाँ आता था, वो कह आप करोगे तो बात हो जाएगी, फिर दिलाया। तो ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो खेल कूद करके आगे आ सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे आदिवासियों का ऐसे तैरते हैं पूछो मत आप, अभी इस बरसात में या इधर उधर नाले वाले गिरते तैर लेते हैं, तो उन प्रतिभाओं को कैसे निखारा जाए, एक ये बात भी है। दूसरा, मैं 1971 में एक बार उठाई वो थी आयर नदी, आदि आयर नदी का जो पानी है वो पहले हम तो नहाते थे उसमें, जून में भी उस आयर नदी में नहाते थे, इस आयर में रहते था मैं तो वही नहाते थे उस पानी में, कभी गंदा नहीं। और अब मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं पेरिस भी गया हूँ, दूसरी जगह पेरिस भी गया हूँ, मेरा यह है कि भाई इसको नीरी से करो, मर्जिया जो करो, कहीं से पैसा लाओ तुरंत करो आप काम, एवरी ईयर आप काम देर करते हो तो एवरी ईयर प्राइस एस्केलेशन होता है टू दी ट्यून ऑफ 15%, 15% का आपका व्यय बढ़ जाता है, 20% का बढ़ जाता है,
इसलिए इसको बांधो अच्छी, और सीवरेज को अलग करके, गंदा पानी अलग करके बढ़िया पानी जाने दो, और चारों तरफ फुलवाड़ी लगा दो, लोग घूमे और तेरा की करे यहाँ से वहां फतेह सागर से तैरना चालू करे तो यार पुल तक तेरा तैरता है तो विश्व तैराकी में हमारा आदमी को यहाँ जाए। ये सन 1978 में मैंने उठाई थी, उस समय मैं चेयरमैन बनने वाला था UIT का, तो मैंने कहा चलो ये करेंगे, पर वो था जो उस समय हुआ नहीं, ऐसे ही हो जाता है। तो ये मेरा कंसर्न है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कोई कहना नहीं चाहता। अब आप कोई पूछे जो मैं उसका जवाब, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा था, हाँ लिखा विधान परिषद के लिए, और आपने ऊपर जगह भी बनवाई थी विधानसभा के अंदर, विधान परिषद अभी तक विधान परिषद को लेकर राजस्थान के अंदर कोई हलचल नहीं, राजस्थान के हलचल नहीं है। गहलोत साहब की चिट्ठी भी आई मेरे पास, हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी आई, कंसीडर कर रहे हैं। मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पर भी विधान परिषद होनी चाहिए, उसमें विद्वान लोग आ सकते हैं, चुनाव लड़के वो नीच, उसमें ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती, उसमें कुछ इंजीनियर्स को लो, आप अपने हिसाब से बनाओ ना, इंजीनियर्स को लो, टेक्नीशियंस को लो, कुछ पत्रकार अच्छे साथी हैं वो राय दे सकते हैं तो उनको लो, कुल मिला करके 1/3 जितने MLA होते हैं उसकी 1/3 विधान परिषद की संख्या होती है, तो यहाँ 70 हो सकते हैं, तो 70 तो करो, 10 आप ऐसे महानुभावों को लो और दूसरे आप MLA से चुन के लो, ये होता है, MLA वोटिंग करते हैं उसमें, 10 लोगों को तो आप ऐसे नॉमिनेट करो ना, जैसे अच्छा विद्वान है कोई, है संगीतकार है कोई, अच्छा है वो है वो, चुनाव तो नहीं आएगा, पर इनकी प्रतिभाओं को कौन निखारेगा, इनकी ये भी तो समाज के अंग है, इनको कैसे आप छोड़ रहे हो, वो कुछ भी बात समझा सकते हैं। नहीं, मेरे क्वेश्चन ये है कि ना तो कांग्रेस ना BJP, अब इसमें तो कोई क्षेत्र की बात नहीं है ना, ये जोधपुर का मामला है, उदयपुर का मामला, जयपुर, ये तो पूरे राजस्थान का मामला, और दोनों ही दल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्या चक्कर है इसमें? अब वो तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा प्रांत है, आप वहां से कुशलगढ़ से गंगानगर जाओगे तो 1300 किलोमीटर 1200, इतने बड़े प्रांत में अब चाहिए ऐसी चीजें, और मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, नीचे के प्रांतों में सब में है, केवल राजस्थान वंचित। इसलिए भी मेरी पुरुष शब्दों में मांगे कि यहाँ विधान परिषद का गठन किया जाए, वो नॉर्म्स बदलने पड़ेंगे कि भाई आपके पास 12 बीघा जमीन है, अरे पर मेरे कमाने वाला कोई नहीं ना, वो महिला अब 80 साल की महिला खदन खोल के क्या खोल लेगी। आपने वो वीरांगना वाला मुद्दा भी कहा, तो उसमें भी पेच आ रहा है कि देवर की नौकरी मांग रहे हैं, कल को उनमें खटपट हो गई, तब किसमें देवर के लिए नौकरी मांग रही है वीरांगना, है पुत्र को नौकरी मिल सकती है, पुत्र को नहीं देवर को मांग रही है, घर को उनमें वापस खटपट होगी तो फिर सरकार नियम बन जाएगी, देवर का तो नहीं बैठना है, देवर का तो नहीं बैठ रहा है, पुत्र वगैरह हो, पुत्र ही नहीं उसके, या खुद है नहीं पुत्र है ना, दोस्त छोटे छोटे बन जाए, पत्नी को देना, फिर जिम्मेदारी उसको पत्नी को दे सकते कुछ न कुछ, तो इसके बारे में सोचना चाहिए और उस महिला को नौकरी दे। शांतिलाल जी चपो साहब, ये वो जाना बेचारा नाम है जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मावली विधायक भी रहे हैं, आज इन्हीं के यहाँ पे हम मौजूद हैं। तो आप जैसे आपने बताया अधिवक्ता प्रोटेक्शन उसके बारे में, तो उसी तरह पत्रकार भी दिन रात 24 घंटे धूप छांव जैसा बोर बार करता है, खोजबीन करके लाता है, किसी अपराधियों की भी खोजबीन करता है, उसके ऊपर भी हमले होते हैं, तो पत्रकार प्रोटेक्शन एक भी लागू होना चाहिए उसके बारे में आप होना चाहिए।
एडवोकेट प्रोटेक्शन हो तो उनका भी पत्रकार का भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि पत्रकार रात दिन जूझता है, 3 बजे न्यूज बना रहा है, डेस्क पर लिख रहा है, और कोई आ गया मैंने जैसा सिर फिरा और आकर के पिस्तौल तान दिया तो उसकी क्या सुनता है? ऐसा होते हैं पत्रकार पर हमले होते हैं, मारपीट भी होती है, धमकी भी मिलती है, देखा है मैंने तो इसलिए प्रोटेक्शन तो उनका होना ही चाहिए। राजस्थान सरकार से हमने मांग कर रखी है पत्रकारों ने, सोनी गलो से उनको आश्वासन दे रखा है, लेकिन पत्रकारों को प्रोटेक्शन होना चाहिए सुरक्षा के लिए भी, और उनको रिहायश के लिए बंगला मकान के लिए प्लॉट भी देना चाहिए, ये कह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात की हमने बंगला प्लॉट भी होना चाहिए, लेकिन अभी पत्रकारों के कहाँ जाएगा? पत्रकारों के कॉन्फ्रेंस के लिए भी अभी कोई बोर्ड उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में बताएं। अभी समय आएगा तो हो जाएगा, ये तो कॉन्फ्रेंस का भवन तो मैं वहाँ जयपुर में भी वो 5 बत्ती पर वहाँ था, वो भी उसके पास कॉन्फ्रेंस वाला उदयपुर में बैठे था, उदयपुर में होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस हॉल। वैसे तो वहाँ अपने लघु स्टेडियम के पास है सही कुछ, तो इस बारे में आप कुछ पत्रकारों की आप हेल्प करेंगे, आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। पूरा मैं पत्रकार चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, जैसे जुडिशियरी है, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है जिसमें मिनिस्टर है या कलेक्टर वगैरह जो है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है, उतना ही सम्माननीय जनक और सम्मान पूर्वक पत्रकार भी है। और ये चौथा स्तंभ है, आवाज आप भी उठा दो, हमको किसे पता लगता है? मैं यदि पत्र नहीं पढ़ूंगा मुझे क्या पता लगता है मेरे में क्या हुआ? इसलिए भी इनका प्रोटेक्शन चाहिए। आपके हमारे साथ मौजूद है शांतिलाल जी चपलो साहब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आप बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी हाल जो उदयपुर में देख रहे हैं तो पहले यहाँ के विधायक गुलाब जी कटारे अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे है, अब वो किसी बारे में ना तो अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं राजनीतिक रूप से, ना कोई इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, तो उनकी ऑप्शन में सबसे बड़ा कद आपका ही साथ उदयपुर में की राजनीति में है, तो आप क्या समझते हैं ये राजनीति में, आप कहेंगे भी आगे राजनीति में कूदने वाले हैं या वापस आप चुनाव में टिकट लाने वाले हैं विधायक के लिए? तो नहीं है, वो भाई साहब चले गए हैं, वो संवैधानिक पद पे हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र रहे हुए हैं, मैं तो पार्टी के आदेश की पालना करूंगा, पार्टी कहेगी लड़ो लड़ लूंगा, पार्टी कहेगी नहीं लड़ो तो नहीं लड़ेंगे, खत्म हुई बात। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आज हम देखते हैं ओबीसी के अंदर ओबीसी की जो जातियां समस्त वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, वैसी है वो अपनी दावेदारी अभी बहुत जल्दी राजनाथ सिंह वो गजेंद्र सिंह शेखावत किया है, उनका सम्मान किया, 2 लाख पब्लिक इकट्ठा करने का दावा उन्होंने किया, वैसे ब्राह्मण भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, राजपूत अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो ऐसे में आप भी पुराने जातिवाद की बात करता नहीं, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश देगी कि यहाँ से लड़ो लड़ लेंगे, नहीं रहेगी तो नहीं लड़ेंगे, सीधी बात। नहीं आपसे क्या जनता की उम्मीद है, कोई वरिष्ठ अगर मिल जाता है पार्टी को दिशा, ये तो पार्टी को दिशा अच्छी तो दिशा दिखाए, पार्टी तय कर, आम जनता कल्याण हो, उदयपुर वासियों का भला, उसके लिए मैं तो पार्टी के लिए तन मन धन तीनों से हमेशा समर्पित रहा हूँ और कभी भी किसी पचड़े में पड़ा नहीं हूँ, आज भी किसी पचड़े में नहीं हूँ, पार्टी जैसा आदेश देगी कि लड़ना चाहिए लड़ेंगे, नहीं लड़ना है नहीं लड़ना, बस पार्टी आदेश स्वरूप रही है, अगर पार्टी आदेश नहीं लड़ना तो लड़ना चाहिए, अगर नहीं तो नहीं लड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ से हो बोले मावली से हो, मैं तो संसद सदस्य तो रहा हूँ, वो है नहीं इसलिए अपनी वो कोई नहीं, पार्टी के सुनते कहीं से भी नहीं है, हमारे के गुप्ता जी उन्होंने बोला 200 सीटों में अगर कहीं भी टिकट मिल जाएगा मैं जीत के दिखूंगा, तो वैसे आप वो पुराने हैं, वो कह सकते हैं उनका अपना संपर्क है, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद।